नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ बिरजू कुमार सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला पटना आए और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के 1.25 लाख करोड़ के पैकेज को घोटालेबाज और साथ ही साथ जुमलेबाजी पैकेज बताते हुए उन्होंने कहा कि जो कल रात पुराने सचिवालय में आग लगी है उसमें सारे घोटालेबाजों की जो लिस्ट थी, जो दस्तावेज थे, वो जलकर राख हो गए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार पर भी हम जमकर हमला बोला और साफ तौर पर कहा कि ये सारी चीज़ें जो साजिश के तहत हुई है और इसलिए हुआ कि अगली सरकार, नई सरकार अगर आती है तो इस तमाम जो घोटाले हुए हैं उन पर कोई चर्चा ना हो, उस पर कोई जांच ना हो, इसको लेकर सारे कागजात को जला दिया गया है। इसको लेकर जब हमारी बातचीत हुई, निर्भय यादव हैं जेडीयू प्रवक्ता, उन्होंने क्या कुछ कहा है ज़रा सुनिए आप। असल में कांग्रेस घोटालेबाजों के साथ गठबंधन किया है तो हर तरफ घोटाले ही इनको दिखाई पड़ता है। यानी जो मुझको जानकारी है, शॉर्ट सर्किट से आग लगे हैं तो उसमें कागजातों को घोटाला होगा तब न जलेगा। यहाँ तो नीतीश कुमार जी ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो जितना स्वच्छ चरित्र उनका रहा है, तो ये आरोप लगाना सुरजेवाला जी उसी के प्रचारक हैं जिसका गठबंधन घोटालेबाजों के साथ इनका है। आदित्यनाथ योगी, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार को आदित्यनाथ योगी की जोर पड़ गई जो विधानसभा में अपने सीट पर प्रचार करने के लिए उतारा है। भाई हमारा जो गठबंधन है बीजेपी के साथ, तो बीजेपी के नेता स्वयं आएंगे ही प्रचार करने, कोई नई बात तो नहीं है। जहाँ जिन राज्यों में चुनाव होता है सारे लोग जाते ही हैं, ये कौन बड़ी बात है। इनके राहुल गांधी नहीं आए क्या बिहार में, और इनके कांग्रेस के नेता नहीं आएंगे क्या, नहीं आ रहे हैं क्या, इसमें बात क्या भाई। चुनाव है तो सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेता मुख्यमंत्री आएंगे ही, अभी तो इनके आए बघेला जी, तो क्या कहिएगा, बघेला जी को नहीं आना चाहिए था। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।